से एकदम आपके टेबल होनी चाहिए आपके सामने, और उस पे कॉपी किताब रखी होनी चाहिए, और आप बैठे हो तरीके से, ठीक है। मुझे बैठने से याद आया कि मैं आपको ये भी एक हाल की हाल टिप दे देता हूँ कि कैसे किस तरीके से इंटरव्यू में बैठा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। आप सब यंग हैं तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इंटरव्यू में बैठा जाता है, क्योंकि आगे जाके आप सभी को कहीं ना कहीं इंटरव्यू फेस करना है, राइट। अब ये बड़ी एक अजीब सा ही क्वेश्चन होता है स्टूडेंट यस की तरफ से सर, कि सर कैसे बैठे हैं इंटरव्यू पे जाके, तो बैठ रहे कैसे, जैसे बैठते वैसे ही बैठना है, इसमें कोई अलग तरीके से थोड़ी ना बैठना है, आपको जैसे बैठा जाना चाहिए वैसे ही बैठना है। आप कैसे बैठा जाना चाहिए, प्रॉब्लम ये है हमने अपना तरीका बिगाड़ रखा है बैठने का, हमने बिगाड़ा हुआ है, ठीक है। इंटरव्यू जिसमें हो रहा है, जिस रूम के अंदर या जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उन्होंने कोई नया तरीका नहीं बनाया है बैठने का, हमने बिगाड़ा है। बात को समझिए मेरी। एक तो होता है कि किसी ने कुछ नई योजना बना दी है, किसी ने कुछ नया तरीका हमारे सामने ला के रख दिया, तो हमें उसे सीखना है, हमें उसे सीखना नहीं है। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बैठने का, जो बेसिक पॉस्चर होता है, वही हमें फॉलो करना है। तो आप समझिए क्या फॉलो करना होता है आपको, जब आप जाते हैं तो आपको 90 डिग्री एंगल पे बैठना होता है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे आपको बैठना होता है। जो चेयर होती है उस चेयर से बिल्कुल, जो उसका बैक होता है ना चेयर का, जिससे आप सपोर्ट लेते हैं, उससे बिल्कुल चिपकना नहीं होता है। यू आर नॉट टू बी स्टक विद दैट सपोर्ट। उस सपोर्ट जो पीछे लगा होता है, उसकी बैक होती है, उससे बिल्कुल चिपकना नहीं है, और बिल्कुल ऐसे आगे आके भी नहीं बैठना है, बहुत ज्यादा आगे आके बैठ जाए जैसे अभी भागने वाले एकदम उठ के, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपका बैठने का सिटिंग पोस्चर, 90 डिग्री एंगल पे, यानी ये भी आपकी ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए बैक, उसके बाद यहाँ से 90, फिर ये जो नीज होते हैं वहां से 90, उसके बाद यहाँ से भी 90 नीचे, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए, और बिल्कुल चेयर से सट के नहीं बैठना होता, थोड़ा सा हल्का सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा। क्लियर, यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद जो आपके हाथ रहते हैं, वो आपके जो थाई होती है उस पर आपको रखने होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार बैठ के, हालांकि मैं पूरा दिख नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट। और ये जो आपके जो हाथ होते हैं वो बिल्कुल ऐसे सामने, ये घुटने के ऊपर जो थोड़ा सा हिस्सा रहता है उसको आपको उसके ऊपर रख के बैठना होता है, ठीक है, इस तरीके से। बात करते समय आप थोड़े जेस्चर शो कर सकते हैं, लेकिन आपका सिटिंग पॉस्चर कैसा होना चाहिए, एट द 90 डिग्री एंगल, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको यहाँ तक। अब ध्यान रखिएगा, अब मत पूछिएगा कभी किसी से कैसे बैठना जाके, और यही तो तरीका होता है बैठने, साइंटिफिकली भी यही है, हमारी बॉडी की डिमांड भी यही है। हम लोग होते हैं ऐसे बंदरों की तरह बैठ जाते हैं, झुक के स्लाउच करने लग जाते हैं, स्लाउच समझते हैं, स्लाउच कंधे झुका के बैठना, इसको बोलते हैं स्लाउच, कंधे झुकाकर बैठना या कंधे झुकाकर चलना, इसकी इंग्लिश होती है स्लाउच, वी स्टार्ट स्लाउचिंग। तो ये काम आपको नहीं करना है। अब बैठने की टेढ़ी मेढ़ी आदत डाल रखी है तो इंटरव्यू में जाके वैसे ही टेढ़े मेढ़े बैठ जाएंगे, फिर वो इंटरव्यूअर्स को पसंद नहीं आएगा, उन्हें लगेगा यार ये क्या है, ये तरीका है आपका, ठीक है। किसी को एटीट्यूड में बैठने की आदत है तो किसी को आलस में बैठने की आदत है, किसी को थकियारी कंडीशन में बैठने की आदत है तो किसी को झुक के बैठने की आदत है। अरे आदत एक ही होनी चाहिए, इस तरीके से कहीं भी बैठो ऐसे बैठो जिससे कि आगे आपको सीखना ना पड़े कि कैसे बैठा जाता है। बचपन में कोई बच्चा हो आपके घर में, उसे शुरू से यही आदत डलवाओ, ऐसे बैठा कर शुरू से यही आदत डलवाओ, इंटरव्यू में कभी उसे पूछना नहीं पड़ेगा किसी टीचर से कि कैसे बैठूं, ऐसे जाके बैठ जाए बस इंटरव्यू में, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन सर, हाँ सुना लास्ट। एक इंटरव्यू वगैरह में अगर आपके पास फोन है तो आपके मतलब आप जहाँ पे बैठते हो आगे जो डेस्क पड़ी होती है उस पे अपना फोन रख नहीं सकते, क्योंकि एक टाइम जब मैंने केवीएस का भी लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था तो सर उन्होंने मेरे को टोक दिया था इस चीज के लिए। फोन तो तो आपको सर अवॉइड ही आप करना चाहिए, यू शुड अवॉइड द फोन। तो अगर अकेले जा रहे हैं तो फिर सर फोन तो हमारे साथ ही होगा, उसको बाहर छोड़ के नहीं आ तो फिर आप सकते ना, उसे बिल्कुल साइलेंट मोड पे अपने पॉकेट में रख सकते हैं, सामने नहीं रख सकते उनके बिल्कुल नहीं रख जैसे सकते। या आप। फिर आपके पास फाइल फोल्डर होता है, उस फाइल फोल्डर में आप कहीं पर ऐसे रख दें जो विजिबल ना हो, वो तो होता ही आपके पास में, फाइल का फोल्डर होता है, उसमें मोबाइल आजकल बहुत पतले आते हैं, उसमें आ सकते हैं बड़े आसानी से। आपके पास छोटा सा वॉलेट होता है, उसमें आप रख सकते हैं चाहे तो। मोबाइल अगर सामने ना के रखेंगे तो फिर ऐसा होता है ना, कल को आपका बहुत महंगा मोबाइल हुआ तो वो देख के कहेंगे ओ हमें आईफोन दिखा रहे हो, हमें अपनी अमीरी दिखा रहे अच्छा हो, ओहो। कुछ भी इंसान कुछ भी ले जा सकता है ना उसे, तो आपको नहीं करनी है ऐसी चीजों को, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, इसको अवॉइड ही करना है। भाई आपका तो मोबाइल फोन है, कल को कोई बंदूक लगा के चलता है तो वो कैसे, अब वो सामने रख के सोचो टेबल पे तो
तो उसका क्या इंडिकेशन समझा जाए, वही उड़ाने आया हूँ, सिलेक्ट कर लो वरना गए तू। तो ये तो चीजें अवॉइड करने वाली होती है, इनको तो बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है। बाकी मैं थोड़ी और टिप्स देता रहूंगा, उस दिन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको जब पहली वाली वीडियो बनाई थी हार मिलाना होता है, हैंडशेक करना होता है। अभी आपको ये बता दें सिटिंग पोस्चर कैसा होना था, एक दिन किसी दिन मैं आपको बताऊंगा अंदर एंटर कैसे होते हैं इंटरव्यू रूम में, क्योंकि ये भी एक बड़ी परेशानी है, कैसे घुसे, उसका भी। बड़ी हाँ टेंशन रहती है, पसीने पसीने हो रहे हैं, कुछ तो ऐसे झांकते हैं चूहे की तरह, कुछ लोग तो इतनी जोर से खोल देते हैं एटीट्यूड अपना वो दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि उनका दरवाजा ही भड़ाक करके पूरा बाहर का सब दिखा दिया ब्रह्मांड, तो ये चीज भी नहीं करनी, वो भी मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। हाल फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, सिखा देता हूँ, इसकी बात फिर हम कल और अच्छे से करेंगे। अभी आप बस छोटी सी चीज अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो अभी आपने देखा, हमने परसों एक टॉपिक सीखा था डू यू एक्शन, राइट, ये आपने सीखा था, इसका आंसर था आई एक्शन, और मना करते हैं तो आई डू नॉट एक्शन।